गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बच्चों की, सर आप मुझे एक टाइम टेबल बता के बता दो, एक फिक्स टाइम टेबल बता दो, कैसे हम पढ़ें, कैसे हम ट्वेल्थ का पढ़ें, कैसे हम इलेवेंथ का पढ़ें। तो उस टाइम टेबल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि एक आइडियल डेली रूटीन कैसा होना चाहिए एक नीट और एम्स एस्पायरेंट का। ठीक है, तो हम चलो शुरू करते हैं। गाइज मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी एमबीबीएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की थी और मैं पिछले 4 सालों से नीट और एम्स एस्पायरेंट को पढ़ा रहा हूँ। हम लोग ये प्लान करेंगे, आज हम लोग ऐसे प्लान करेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टूडेंट का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, एक नीट एस्पायरेंट का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, या हम लोगों ने कैसे तैयारी की जिस हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो गया। तो हमारा जो टाइम पीरियड है उस टाइम फ्रेम को हम कैसे मैनेज करें ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन कर पाए, राइट गाइस। तो इस बारे में हम आज बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा कि एक सिमिलैरिटी बताओ जो आप में और किसी भी सक्सेसफुल इंसान में है, जो किसी भी टॉपर में है, कोई भी रैंक वन टॉपर या उसमें आप दोनों में एक सिमिलैरिटी है, क्या है वो सिमिलैरिटी, सोचो थोड़ा इस पे कि एक सिमिलैरिटी है जो आप में और किसी और टॉपर में है, एक सिमिलैरिटी क्या क्या है बताओ। ये सिमिलैरिटी है कि उन सब के पास 24 आवर्स ही होते हैं, दिन के 24 घंटे, उनको नहीं 30 घंटे मिलता है अपना काम करने के लिए। सबके पास, किसी बिजी इंसान को देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखो या किसी भी बिजी इंसान को देखो, दे ओनली हैव 24 आवर्स और उसमें ही ये लोग इतना कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं। तो वाई कांट वी, हम लोग भी अगर अपने 24 आवर्स को प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो हम उसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो हम यही आज देखेंगे कि कहां चूक रह जा रही है, व्हाई आर वी नॉट यूटिलाइजिंग आवर 24 आवर्स एंड बिकमिंग ग्रेट, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कि हाउ शुड वी यूज आवर दीज 24 आवर्स, ठीक है। तो एक काम करो आप, सबसे पहला स्पेकुलेशन करो, जैसे सपोज आज का आप दिन लो, ठीक है, जैसे आज का दिन लो और आज के दिन में आप क्या करो कि आज के दिन में क्या क्या किया आपने सुबह से, एक लॉग में लिखो, सुबह कितने बजे उठे, कुछ भी किया, कुछ नहीं किया, क्या किया, कैसे किया, वो सब चीज आप एक लॉग में लिखो, ठीक है। एंड देन यू विल रियलाइज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, आप उसको बस 4 पार्ट में बाइफर्केट करना है। जैसे सपोज मान लो मैं आज सो के उठा, ठीक है, तो पहला मेरा आदत क्या होता है कि मेरा रिपीटेटिव स्नूज पे अलार्म चलता है। सपोज मान लो कि तुम्हारी क्लास 10 बजे है, तो मैं क्या होगा कि एक अलार्म 8 बजे का लगाऊंगा रात में, ये सोच के कि यार सुबह उठ के ना कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करेंगे। फिर बोलेंगे अरे यार क्लास ही है ना, क्लास के बाद कर लेंगे, तो वो 8 से 8:30 का अलार्म लगेगा, 8:30 से 9 का अलार्म लगेगा, इनफैक्ट 9 से फिर 9:30 का लगेगा। एंड जब 10 बजने वाला होगा तो मेरा फिर कैलकुलेशन चलता है, अच्छा 5 मिनट और सो लेते हैं। तो ये जो 2 घंटे का टाइम फ्रेम था 8 से 9:30 या 9:45 का, इस फ्रेम फ्रेम में मैंने कोई काम नहीं किया, ना मुझे अच्छी नींद आई, बस आई वॉज प्रोकास्टिनेटिंग, नहीं उठना नहीं है, आलस, ठीक है, वो नींद नहीं होती है, राइट। आपको पता है कि आप 5-5 मिनट का अगर अलार्म लगा रहे हो तो 5 मिनट में आप कितना ही सो लोगे, तो दैट वॉज जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग। तो वैसे आप एक टाइम फ्रेम निकालो जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है, उसके बाद आप फोन पे क्या यूज करते हो, तो मतलब एग्जैक्ट टाइम एक लिखो कि क्या क्या आपने दिन भर किया, ठीक है, रिजल्ट आपको ऐसे कर देना। तो उसमें उसके बाद उसको 4 हेड में वो डालना, 4 हेड में ब्रेक डाउन करना, कैसे करोगे, पहला कि टाइम स्पेंड इन स्टडीज, कितना टाइम पढ़ाई में लगाए, पढ़ाई या पढ़ाई से रिलेटेड का, क्वेश्चन सॉल्व करना ही पढ़ाई का पार्ट हो गया, क्लास लेना भी पढ़ाई का पार्ट हो गया, तो आपने कितना टाइम पढ़ाई में लगाया, पहला पॉइंट। दूसरा, टाइम स्पेंड विद फैमिली, घर वालों के साथ या किसी चीज का मतलब रिलेटिव्स, घर वाले, मम्मी पापा के साथ आपने कितना टाइम स्पेंड किया, क्या किया, ठीक है। तीसरा करना कि टाइम स्पेंड यू ऑन समथिंग यू लव डूइंग, कुछ भी चीज आपको एक्चुअली पसंद है, जैसे मतलब मान लो कि मुझे इसमें ये नहीं आता कि आप मूवी देखना पसंद है तो ये वाला टाइम नहीं आता, या वीडियो टीवी सीरीज देखना है वो टाइम आपका नहीं होता, दैट इज नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। एक्चुअली यू लव डूइंग, जैसे आपने गाना सुन लिया, या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, या कोई गेम खेल लिया, या कोई आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए चले गए, या बैडमिंटन खेलने चले गए, राइट। तो उस तरह का चीज आ गया थिंग्स यू लव डूइंग, ठीक है। और एक टाइम आएगा, टाइम जब कुछ नहीं किया, आपने क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, टाइम स्पेंट इन एंट्रोपी, आपको बिना कुछ किए पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, उस टाइम फ्रेम का क्या होगा ये देखना, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे, जब आप ये पूरा लॉग बनाओगे तो आप एक चीज रियलाइज करोगे, आप क्या रियलाइज करोगे कि द टाइम दैट यू हैव स्पेंट ऑन एंट्रोपी ये सबसे ज्यादा होगा। अच्छा भाई,
ऐसा कैसे हो सकता है? जब कुछ किया ही नहीं तो टाइम सबसे ज्यादा कैसे स्पेंड हो रहा है इस पे? होता है ना, कुछ नहीं, एक टीवी सीरीज देख रहे हैं, अच्छा देखा हुआ टीवी सीरीज ही देख रहे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हैं तो फ्रेंड्स का रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, टू एंड हाफ मैन देख रहे हैं, टू एंड हाफ मैन का रिपीट टेलीकास्ट है। मैं खुद ये काम करता हूं तभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि इन चीजों पे क्या आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपका माइंड रिफ्रेश हो गया या कुछ ऐसा, जीरो प्रोडक्टिविटी, जीरो प्रोडक्टिविटी। क्यों भाई? हम एक जोक पढ़ लिए और वो जोक भी कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं था, पढ़ने के लिए पढ़ लिया, मीम्स पे मीम्स ये शेयर किए जा रहे हैं और सब स्टैंडर्ड मीम है, कोई बहुत अच्छा मीम नहीं है कि जो मेरा एकदम दिमाग को फ्रेश कर दे, राइट? तो दिस टाइम स्पेंट ऑन एंट्रोपी इज मैक्सिमम। मैं आपको इन तीनों में से कोई भी चीज छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कीजिए। पढ़ाई में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कीजिए। एक्चुअली आपको कुछ करना पसंद है उसमें आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कीजिए। क्रिकेट खेलने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खूब खेलिए, ठीक है? इस टाइम को बस आप मिनिमाइज कर लीजिए। टाइम स्पेंड इन एंट्रोपी को अगर आप मिनिमाइज कर लेंगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। बस ये जो है ना, ये वाला फेज, सोचने वाला फेज कि कर लेंगे, ये वाला फेज, कुछ नहीं कर रहे हैं ये वाला फेज, इस फेज को, जो प्लानिंग वाला फेज होता है जिसमें कुछ नहीं होता, उस फेज को आप खत्म कीजिए एंड यू विल अटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, आई गारंटी यू दैट, राइट? तो कैसे अब हम लोग को पूरा डे प्रोग्रेस करना है? पहला पॉइंट क्या है कि अभी आपको एसेस करना है आज की, भाई आप कितना टाइम एंट्रोपी में स्पेंड करते हैं, और कमेंट में लिखना मुझे, ठीक है? किसी का भी 3 घंटे से कम का टाइम नहीं होगा जो वो एंट्रोपी में स्पेंड करता है, ठीक है? तो कमेंट में मुझे जरूर लिखना, ठीक? अब आते हैं मुद्दे पे, हम क्या करें, कैसे हमने रियलाइज किया कि वी स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन एंट्रोपी, और एक्चुअली अब हमको क्या क्या करना चाहिए, अब मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट कि आप ये एंट्रोपी का टाइम खत्म करेंगे, ठीक? दूसरा पॉइंट कि आप सोने और उठने का एक फिक्स शेड्यूल रखिए, मतलब कि 6 घंटे की नींद आपको लेनी है, ठीक है? ये बेयर मिनिमम है और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कि हम 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे के इंटरवल में सो रहे हैं, मतलब रात में मैंने 4 घंटे सोया और दिन के 2 घंटे सो लिया, नहीं। 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस अनडिस्टर्ब स्लीप इज मैंडेटरी, ठीक है? और ये टाइम फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि आज मैं दोपहर में सो लिया, कल मैं सुबह के 3 बजे सो लिया, ये टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। भले ही आपको रात भर पढ़ना है रात भर पढ़िए, दिन में सोइए, कोई बात नहीं, बट अगर मैं 9 से 1 सो रहा हूं तो मैं 9 से 1 ही सोऊंगा, अगर मैं रात में 12 से 6 सो रहा हूं तो मैं 12 से 6 ही सोऊंगा, एंड अवॉइड स्लीपिंग बिटवीन दीज आवर्स, क्योंकि इस टाइम पे आपका नीट का एग्जाम होगा, तो डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग दीज आवर्स, ठीक है? लिखते हैं, डोंट स्लीप ड्यूरिंग दीज आवर्स, ठीक है? तो 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस अनडिस्टर्ब स्लीप इज नेसेसरी, बता दिया। अच्छा, अब अगले मुद्दे पे आते हैं कि अब मेरा पढ़ाई का टाइम कितना डिटरमाइन होना चाहिए या कितना घंटे हमको पढ़ना चाहिए। तो अ टोटल ऑफ 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई काफी है, मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, 2-3 घंटे खाना खा रहे हैं और 2-3 घंटे आराम कर रहे हैं, इतना टाइम काफी है, ठीक है? बट इसमें भी एंट्रोपी जीरो होना चाहिए। सो रहे हैं तो ये नहीं कि लेटे लेटे फोन चला रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फोन चलाना चलाओ, 15 मिनट चला लो, बट एक्चुअली तो फोन पे कुछ काम करो, है ना? अगर गर्लफ्रेंड से बात करो तो बात करके निपटा दो, ये नहीं कि दिन भर लगे हुए हैं बिना काम के, राइट? ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। ये टाइम जो कुछ नहीं करने वाला टाइम होता है ना, ये टाइम बड़ा सबसे ज्यादा वेस्टफुल होता है आपके लिए, ठीक है? कि भाई कोई टीवी सीरीज देख लिए, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, वीडियो जबरदस्ती देख रहे हैं, भले ही बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी कुछ तो करना है, वो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रखता है तो आप सोच नहीं पाते। खाली बैठोगे बिना फोन साइड में रख के ना, तब दिमाग क्लिक करेगा, आप सोचोगे ओ शिट यार आज का दिन तो खराब कर दिया। तो ये चीज हमेशा आप करो क्या, तो आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ना है और उस 10 to 12 आवर्स में 60% टाइम सेल्फ स्टडी का होना चाहिए हमेशा। अगर आप 2 घंटे की लेक्चर ले रहे हैं तो 2 घंटे के बाद उसी प्रोपोर्शन में आपको सेल्फ स्टडी करना है, राइट? तो अगर मान लो आप 4 घंटे का लेक्चर ले रहे हो तो टोटल 10 घंटे पढ़ो, जिसमें 6 घंटे आपका सेल्फ स्टडी होगा, 4 घंटे का ही लेक्चर होगा, उसी हिसाब से आप पढ़ना, सिर्फ लेक्चर से आपका काम नहीं होगा। तो 60% ऑफ योर टाइम शुड बी स्पेंड ऑन सेल्फ स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा। अगला, आपको डेली गोल बनाना होगा। कैसे बनाओगे डेली गोल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग का तरीका है, ये मैंने भी फॉलो करना स्टार्ट किया और मेरा आलस का लेवल थोड़ा कम हुआ है। क्या करता हूं कि रात में सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ, एक
टू डू लिस्ट बनाओ, कुछ नहीं ऐसा ज्यादा फैंसी वैंसी नहीं बनाना, ऐसे एक पेपर लिख लो स्टिकी नोट की तरह लिख लो, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 2-5 पॉइंट का लिस्ट बना लो कि कल मुझे ये करना है और सीक्वेंस पे करना है, राइट। कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये प्रायोरिटी नंबर 3 है, ये प्रायोरिटी नंबर 4 है, तो सीक्वेंस में मुझे वो काम करना है। ये मेरा टू डू लिस्ट होगा और ज्यादा टाइम नहीं, इसको 4 से 5 मिनट में सोच के बना लो। और ये नहीं कि कंप्लीट बायोलॉजी टुडे, कंप्लीट फिजिक्स टुडे, ऐसे नहीं बनाना मुझे भाई। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वो करना है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करना है, ठीक है, तो हम सिर्फ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लिखेंगे। मुझे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो मुझे साफ ये क्वांटिफाई करके लिखोगे कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन क्या करोगे कि जब ये टू डू लिस्ट बना हुआ है आपके कहीं पे स्टिकी वगैरह चिपका दिया है, उसको टिक लगाते जाओ, टक टक टक, ठीक है। विथ एवरी टिक यू गेट ए रिवॉर्ड एंड विथ एवरी थिंग दैट यू हैव मिस्ड यू गेट अ पनिशमेंट। वो रिवार्ड और पनिशमेंट खुद के लिए डिसाइड करो, ब्रेन को आपको उस हिसाब से स्टिमुलेट करना पड़ेगा बच्चों, कि मुझे एक आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है। अगर भाई मुझे आइसक्रीम पसंद है, भाई मैंने 3 किया तो मैं 1 आइसक्रीम तो खाऊंगा, ठीक है। मैंने 3 टेक टू डू लिस्ट आज का कंप्लीट किया, तो अवार्ड योरसेल्फ विद समथिंग, खुशी का टाइम है कुछ भी, ठीक है। तो ये टू डू लिस्ट आप फॉलो करो एंड उसको असेस करो, ठीक है। धीरे धीरे हो सकता है कि पहले दिन आपसे नहीं हो, ठीक है, तो आपको उस दिन अवार्ड नहीं मिला। यू हैव टू पनिश योरसेल्फ कि अगले दिन मुझे ये वाला टू डू लिस्ट भी और अगला वाला टू डू लिस्ट भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्वांटिफाई करते जाओ। और ये टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है कि रात में ही बनाओ, अगले दिन सुबह नहीं बनाना, रात में बनाना है। और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक मैं नहीं सोऊंगा, भले ही मुझे रात भर जागना पड़े, भले ही मुझे उस दिन का नींद ही नहीं हो, आज का काम आज ही खत्म होगा। अगर प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दोगे तो जिंदगी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं करा मैं, सारे चीजों की बात कर रहा हूं। अगर प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दोगे तो जिंदगी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बोलना आसान है, मैं भी बोलता हूं और अभी तक करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, बट आपके लिए है बच्चों। आपका डिटर्मिनेशन अगर स्ट्रांग है, तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करना स्ट्रांग करते हैं, विल पावर अपने दिमाग का स्ट्रांग करते हैं, ब्रेन को आलस का रीजन नहीं देने दो। ब्रेन ये बोल देगा कि अच्छा एक काम करते हैं ना यार, कि कल पढ़ लेंगे, आज तो इतना कर ही लिया, कल आज पेन नहीं मिल रहा, आज कलरफुल पेन नहीं है, आज मार्कर नहीं है, आज हाइलाइटर नहीं है मेरे पास, कुछ 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 एक्सक्यूज बना के कल सुबह जाते के साथ ये लाएंगे और उसके कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, आज 15 मिनट पढ़ोगे, आज पहले पढ़ो, आज की बात करते हैं हम, कल कल देखेंगे। तो ये टू डू लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रात में आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है गाइस। बात मानो मेरी, बहुत बहुत हेल्पफुल करेगा, आप टॉप रैंकर हो जाओगे बिना किसी हेल्प के, सिर्फ स्टडी स्टडी करके, ठीक है। अब आप कितने घंटे कितने सब्जेक्ट को डिवोट करोगे, ये भी आप पे मैं छोड़ता हूं। देखो क्या होता है, किसी का फिजिक्स बहुत वीक होगा, किसी का फिजिक्स एवरेज होगा, किसी का केमिस्ट्री बहुत वीक होगा, किसी का केमिस्ट्री एवरेज होगा, बायो यूजुअली सबका ठीक होता है, ठीक है। जिसका वीक है तो वो अलग है, तो उसी हिसाब से आप चीजों को डिवाइड करो। दो सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज, बायो को 3.5 आवर्स मैंने दिया, केमिस्ट्री को 3.5 आवर्स मैंने दिया और फिजिक्स को 4 आवर्स दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल है, ठीक है। नाउ क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है आपको, इसमें इंक्लूड करना है आपका लाइव क्लास जो लेक्चर है, प्लस आपको क्वेश्चन करने हैं बायो के, प्लस जितना क्लास आपने क्लास में पढ़ाया, अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो तो जितना आपने कोचिंग में पढ़ाया उतना कंप्लीट उस दिन हो जाना चाहिए। पाइल अप नहीं, अगर मान लो मैं ब्रीदिंग पढ़ा रहा हूं तो आपका ब्रीदिंग खत्म हो जाना चाहिए जहां तक मैंने लेक्चर 1 किया है, ठीक। तो अगर मान लो आप 2 घंटे की क्लास रोज कर रहे हो, तो 2 घंटे का कंटेंट सेल्फ स्टडी पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और जो 30 मिनट बचा, बाकी 30 मिनट में आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो। तो बायो के लिए आप दिन का 40 एमसीक्यू सॉल्व करो बेयर मिनिमम, अगर आपकी स्पीड और एफिशिएंसी अच्छी है तो आप और ज्यादा कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम सेम तरीका, क्लास सेल्फ स्टडी क्वेश्चन, और फिजिक्स के लिए आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह से आपका एक 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन का पाइलअप हो जाएगा। और इन क्वेश्चन को कैसे लिखना है मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि नोट्स कैसे लाना है ये वो के लिए, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड है, इसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी से डिवाइड कर सकते हैं, कितने घंटे क्या पढ़े। घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप कितना कंटेंट कर रहे हैं। तो मेरा टू डू लिस्ट के हिसाब से ये नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा घटा सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज मैंने ये किया। बट ये मत करना कि आज सिर्फ फिजिक्स पढ़े, आज सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े, आज सिर्फ बायोलॉजी पढ़े, इट नेवर वर्क, ठीक है।
क्या करना, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा बायोलॉजी, अपने सबसे टफ टॉपिक को तब चूज करो जब आप सबसे फ्रेश होते हो, सबसे ज्यादा अटेंशन स्पैन होता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा अटेंशन स्पैन सुबह उठने का था, ठीक है? तो सुबह उठते टाइम मैं टफ टॉपिक्स करता था जो मुझे समझ नहीं आ रहे, जो मुझे याद नहीं आ रहे, और शाम के टाइम में जब सबसे मन रखकर खेलने करने जाने का करता था या कुछ करने का करता था, शाम के टाइम में मैं रिविजन करता था उन्हीं चीजों को जो मैंने पढ़ाया। तो इट रियली हेल्प, आप अपने हिसाब से देख लो। देखो, यू आर योर ओन मास्टर, आप अपने हिसाब से देख लो, बट 10 to 12 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव स्टडी मेरा 10 से 12 घंटे में के हिसाब से मैं एक टू डू लिस्ट बनाऊंगा और उस टू डू लिस्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा 10 से 12 घंटे में, राइट? और ये जो इसके हिसाब से आपको 100 MCQ डेली सॉल्व करने हैं। बच्चों, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दोगे और ये टू डू लिस्ट पे एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे, आपको आपके प्रोडक्टिविटी का ग्राफ पता चलेगा। किसी दिन लगे कि आज काम क्यों नहीं हुआ, जिस दिन आप अपना टू डू लिस्ट नहीं कंप्लीट कर पाए, उस दिन फिर से दिन भर क्या किया वो लिखो, आपको पता चल जाएगा कहां पे आपने गलती की है, एंड स्टॉप रिपीटिंग दैट। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो इस तरह का आपका एक आइडियल डेली रूटीन होना चाहिए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सोना, दूसरा खाना। इन दोनों के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये नहीं कि पढ़ने के कारण खाना छोड़ दिए, ठीक है? ब्रेन को भी फ्यूल चाहिए, राइट? एनर्जी चाहिए टू वर्क। तो ये दो चीज आप सोएंगे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सोना कितना? 6 घंटे। खाना कितना? एटलीस्ट 3 बार। ये दो चीज आप करो, बाकी आप ये एंट्रोपी का टाइम, फोन वाला टाइम, ऐसा नहीं कह रहा मैं फोन यूज ही नहीं करो, पर जब यूज करो तो यूज करो यार। ऐसे जबरदस्ती ढूंढ रहे इंस्टाग्राम के फीड पे क्या मिल रहा है, वो बेवकूफी है ना। नोटिफिकेशन आया तो मैसेज कर दो, नेट आप 15 मिनट ऑन करके चलो भाई, जब आया तब आप सब दोस्तों से बात कर लो, खत्म करो बात। ये लंबा वाला जो ये प्रोसेस चलता है ना कि कर रहे टक 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 ऐसे ही फोन में उंगली करते रह रहे हैं, ठीक है? दैट यू शुड अवॉइड। और आप देखना एंट्रोपी का टाइम, मुझे कमेंट जरूर करना कि कितना टाइम आप एंट्रोपी में खर्च करते हो, इनोसेंटली बताना पूरे दिन का शेड्यूल, ठीक है? मैं कमेंट्स आपके सारे पढ़ूंगा और फिर मैं अपना भी शेयर करूंगा मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? हम लोग सब साथ मिलकर इंप्रूव करेंगे गाइज, राइट? अच्छा गाइज, हम लोग आपके लिए एक और कोर्स लेके आए जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। पता है आप लोगों के बारे में, मैं ये फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं कराया, आप प्लस पे आ जाओ बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। आपको क्विज और टेस्ट सीरीज मिल रहा है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रहा है, पर्सनल लर्निंग मिल रहा है, प्लस आपको इस तरह के कंटेंट, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस तरह का पूरा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी हम लोग साथ मिलकर बनाएंगे बच्चों। एटलीस्ट मैं बायो की बात करूं तो बायो में मैं इंश्योर करूंगा कि आप बायो में फुल मार्क्स लाएं, ठीक है? तो ये मेरा कोर्स चल रहा है बच्चों, जिसको आपको इनरोल करना है। बाकी आप किसी सारे कोर्सेस है, मतलब आप वन एक बार पैकेज लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा कोर्स मिल जाता है, ठीक है? बट मैं अपने कोर्स की बात करता हूं, तो मैंने ऑलरेडी 43 इनरोलमेंट ले लिए हैं, मैं 7 इनरोलमेंट्स और लूंगा और हम लोग ये कुछ बैच बंद कर देंगे, ठीक है? तो इफ यू वॉन्ट टू स्कोर 360 इन बायोलॉजी, आपको क्या करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी आपको ये कोर्स मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एनुअल प्लान लेना है हमारे अनअकैडमी नीट का, अनअकैडमी प्लस के नीट का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है, और आपको ये कूपन कोड यूज करना है जब आप पेमेंट करो, जिसका नाम है आनंद 10। इससे आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों कि आप मेरे कोर्स में इनरोल कर लिया आपने, तो ये मैं आपको फिर अपने कोर्स में इनरोल कर लूंगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप सिर्फ मेरा ही कोर्स ले रहे हो 25,000 में, ये 25,000 भी नहीं होगा, ये होगा आपका 22,500। तो ये 22,500 में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा कोर्स ही ले रहे हो, आप सारे कोर्सेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब इंक्लूडेड है इसमें। बेनिफिट ये है कि आपको मेरा कोर्स भी उसके साथ के साथ मिल जाएगा, ठीक है? तो गाइस, आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है ये कूपन कोड आनंद 10, और आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस 10% के डिस्काउंट के साथ आप मेरे कोर्स में इनरोल हो जाओगे। तो जब भी खरीदना, पेमेंट करना, तो ये कूपन कोड आनंद 10 यूज करना मत भूलना, राइट? 2 ईयर वाले अगर कोई बच्चे हैं तो 2 ईयर का प्लान जो है वो 40,000 का है, इसमें भी आप कूपन कोड अगर आनंद 10 यूज करोगे तो आपका जो अमाउंट है ये 36,000 का हो जाएगा। तो गाइज, मैं आप सबको मिलना चाहता हूं प्लस कोर्स पे, क्योंकि प्लस कोर्स पे मैं आपका पूरा कोर्स गाइड कर सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बना सकता हूं, राइट? अगर हम बायो में नियर अबाउट 360 नंबर ले आते हैं, 350, 355, 360 मार्क्स ले आते हैं, तो सोचो आपको कितना एज मिल जाएगा दूसरे स्टूडेंट पे। अगर रैंक 1 एम्स की बात करूं तो उसके भी बायो में कम आए थे, मतलब रैंक 1 नीट भी जो बात करूं तो उसके भी बायो में कम नंबर आए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल था। तो बायो में अगर आप फुल मार्क्स ले आते हैं तो यू हैव एन एज ऑफ 20 मार्क्स। देखो, 300 किसी को भी आ जाता है बायो में, बट ये 300 से 360 का सफर मैं आपको पूरा कराऊंगा, राइट गाइस? बाकी आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है मुझसे, कुछ आइडिया लेना है, कुछ सजेशन लेना है, आपको पता है आप मुझे कहां मैसेज कर सकते हैं,
आप मुझे मैसेज कर सकते हैं unacademy.com/user/anandsir01, राइट, मैं आपको यहां मिल जाऊंगा और बहुत स्पॉन्टेनियसली जवाब देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, unacademy.com/anandsir/01। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो गाइस, क्योंकि बहुत लोगों का भला होना चाहिए इससे, राइट, आपके सारे दोस्तों का इससे भला होना चाहिए, आपका इससे भला होना चाहिए, एंड यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट, ठीक है, अपने दोस्तों को दिखाओ, बोलो यार इस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, बट अगर मेरे बताने से अगर आप 20% भी आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है तो आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है गाइस, तो चलो हम लोग रेगुलर क्लासेस में तो मिल ही रहे हैं, तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको अगले मेरी कोई भी क्लासेस हो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, सी यू ऑन द अदर साइड, टेक केयर, बाय।